मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। प्यारे दोस्तों, पांच किस्म की औरतें ऐसी होती हैं कि अल्लाह तबारक ताला ने मर्दों को इनकी ताज़ीम करने का हुक्म सादर फरमाया। आज की इस वीडियो में बताएंगे कि वो कौन सी औरतें हैं, लेकिन इससे पहले जान लीजिए कि सिर्फ एक ऐसी औरत है कि जिस पर अल्लाह तबारक ताला लानत फरमाता है, और ऐसी औरत को अपने घर से निकाल देने का भी हुक्म है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस शरीफ का मफहूम है कि ऐसी औरत के साथ हरगिज़ कोई ताल्लुक ना रखो जो मर्दों की मुशाबत इख्तियार करने वाली हो। मसलन मर्दों जैसा लिबास पहनना, मर्दों जैसी वजह में बाल कटवाना, और उसके उठने बैठने और बात करने का अंदाज मर्दों जैसा हो तो ऐसी औरत के साथ ताल्लुक ख़त्म कर देना चाहिए। तो ऐसी औरत को फौरन घर से निकाल देना चाहिए। प्यारे दोस्तों, ये आप जानते हैं कि वो कौन सी पाँच खुशकिस्मत औरतें हैं कि जिनको अल्लाह सुबहाना ताला पसंद फरमाता है। जिन औरतों में ये निशानियाँ हों तो वो खुश हो जाएं कि अल्लाह तबारक ताला इनसे राज़ी हो गया है। मोहतरम नाज़रीन, यूँ तो दीन इस्लाम ने औरतों को माशरे में नहायत ही बुलंदो बरतर मकाम पर ला खड़ा किया है। औरत किसी भी रूप में हो, माँ, बहन, बेटी, बीवी, हर एक माशरे में नहायत कदर मंजिलत वाला अहम मकाम अता फरमाया गया है। लेकिन इसके बावजूद अगर कुछ औरतों में ऐसी निशानियाँ हों कि जिनके सबब इनकी नेकी और उनकी अच्छाई दूसरी औरतों की नस्बत वाजिया होती हो, तो यकीनन ऐसी औरतें अपने माशरे में मुअज्ज़ज़ व मोतबर हो जाती हैं। जान लो कि अल्लाह तबारक ताला की कुदरत ऐसी औरत पर मेहरबान होगी। तो जानते हैं कि नेक औरतों की वो कौन सी पांच खसूसियात हैं कि जिनके सबब उन्हें इस्लामी मुआशरे में बुलंद व बरतर मकाम की फजीलत से नवाजा गया है। प्यारे दोस्तों, अगर किसी औरत में इन पांच निशानियों में से एक निशानी भी ज़ाहिर हो जाए तो वो समझ जाए कि अल्लाह सुबहाना ताला इससे खुश है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने दरिया फरमाया कि जब किसी औरत को अल्लाह पाक नेकी और हिदायत के रास्ते पर चुन लेता है तो फिर इसके अंदर कौन कौन सी निशानियाँ पैदा होती हैं, यानी ऐसी कौन सी निशानियाँ औरत में ज़ाहिर होती हैं कि जिनसे मालूम हो सके कि ये औरत नेक और पारसा औरत है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस शख्स की बात सुनकर मुस्कुराए और फरमाया, ऐ शख्स, जब अल्लाह तबारक ताला किसी औरत को नेकी के रास्ते पर गामजन कर देता है और उसे हकीकी कामयाबी के लिए मुंतखब फरमा लेता है तो इस औरत में पांच निशानियां ज़ाहिर होती हैं। पहली निशानी तो यह है कि जब एक औरत सुबह का सूरज निकलने से पहले उठकर तहारत और वज़ू करके पूरी तरह से पाकीज़गी हासिल कर लेती है, फिर फजर की नमाज़ के लिए अल्लाह के हुजूर सर पर सजूद हो जाती है, तो समझ लो कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस औरत को नेकी और हिदायत के रास्ते पर चुन लिया है। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि फजर की नमाज़ के लिए उठने वालों के लिए अल्लाह खुद हिफाजत फरमाते हैं। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि फजर की नमाज के लिए उठने वालों की अल्लाह खुद हिफाजत फरमाता है और उनको अपने हिसार में ले लेता है। प्यारे दोस्तों, जब एक औरत दिन भर के घर के कामकाज को भी देखती है और अपने शौहर के कामकाज करती है और फिर अपने बच्चों को दीनी और दुनियावी तरबियत के साथ ही साथ नमाज के वक्त अल्लाह सुबहान के सामने झुक जाती है, तो यही वो औरतें हैं जिनके लिए अल्लाह तबारक ताला ने वादा फरमाया है कि वो जन्नत के जिस दरवाजे से चाहें गुजर जाएँ। यानी ऐसी औरतों के लिए अल्लाह के फरिश्ते जन्नत के आठों दरवाजे खोल देंगे। नंबर दो, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, बाज़ औक़ात अल्लाह अपनी नेक और परहेज़गार बंदियों पर मुख्तलिफ आजमाइशें और मुसीबतें डाल देता है। मिसाल के तौर पर ससुराल वालों का सख्त रवैया, बात बात पर खामत का झिड़क देना, सास ससुर के ताने और बात बात पर गुस्से होना, या फिर कुछ ऐसी औरतें भी हैं कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला औलाद की नेमत से नवाजता है लेकिन फिर जल्द ही इस औलाद को अपने पास बुला लेता है। तो अल्लाह की ऐसी नेक और परहेजगार औरतें ऐसी आजमाइशों और मुसीबतों पर सब्र और शुक्र का दामन मजबूती से थामे रहती हैं, और जब इन्हें कोई अजियत पहुँचती है तो वो यूँ दुआ करती हैं कि ए अल्लाह पाक, हमने तेरी रजा की खातिर इन तमाम मुसीबतों पर सब्र किया है, मैं अपने हर हाल में तेरा शुक्र अदा करती हूँ ताकि कल क़यामत वाले दिन तू मुझे मेरे सब्र का बदला अता फरमा दे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ऐसी औरतें जो दुखों और तकलीफ़ों के बावजूद सब्र और शुक्र से काम लेती हैं और अल्लाह की इबादत का दामन थामे रहती हैं तो जन्नत ऐसी औरतों के लिए इंतज़ार करती है। नंबर तीन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि जब औरत खुद बहुत अपने गैर महरम रिश्तों से और घर से बाहर जाते वक्त गली मोहल्ले के लोगों से पर्दा करने लग जाए, समझ लो कि अल्लाह ने उसे नेकी के रास्ते पर चुन
चुन लिया है। नाज़रीन कराम, औरत की बेपर्दगी इस्लामी मुआशरे में एक ऐसा बिगाड़ का सबब और दूसरे मर्दों को गुनाह की दावत देती फिरती है, और उसकी आने वाली नस्लें भी इस औरत के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करेंगी, क्योंकि एक माँ की गोद ही अपने बच्चों की पहली दरसगाह होती है। लिहाजा जब एक औरत खुद को पर्दे में छुपा कर रखेगी, यकीनन वो इसी तर्ज पर अपने बच्चों की तालीम और तरबियत करेगी, और यूँ न सिर्फ वह खुद बल्कि इसकी आने वाली नस्लें भी नेक और परहेजगार होंगी। लिहाजा जब एक औरत पर्दा इख्तियार करने लगे तो समझ लो कि अल्लाह तबारक ताला ने इसे हकीकी कामयाबी के लिए चुन लिया है। नंबर 4, रोज़ा रखने वाली औरत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत रमज़ान के महीने में रोज़े रखे, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जन्नती औरतों की निशानियों में एक निशानी यह भी है कि वो रमज़ान के रोज़े रखती है। प्यारे दोस्तों, हमारे मुआशरे में औरत के लिए रोज़ा रखना आसान काम नहीं है, क्योंकि घर के हर किस्म के काम काज और जिम्मेदारियों को पूरा करने के साथ साथ ही बच्चों के बीसियों जिम्मेदारियाँ निभानियाँ पड़ती हैं। बार बार बच्चों के खाने का इंतज़ाम करना पड़ता है, और फिर सहरी और अफ्तारी में दीगर अफराद के लिए खाने का इंतज़ाम भी औरत की जिम्मेदारियों में शामिल होता है। लिहाजा जब कोई औरत अल्लाह की रजा की खातर सोम सलात का अहतमाम करती है, तो समझ लो कि इस पर अच्छा तफरीक आ चुका है, और वह हकीकी कामयाबी के रास्ते पर गामजन हो चुकी है। लिहाजा नमाज, रोज़ा, पर्दे वाली जो मुश्किलात में भी सब्र का दामन मजबूती से थाम ले, तो यही कामयाब औरत है। नंबर 5, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐसी औरत जिसमें यह निशानी मौजूद हो कि इसका शोहर इससे राज़ी है, तो समझ लो कि इसका भी अच्छा वक्त शुरू हो चुका है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जब एक औरत का शोहर इस पर राज़ी होता है और अल्लाह ऐसी औरत से फरमाता है कि तू जन्नत के जिस दरवाजे से दाखिल होना चाहे दाखिल हो जा। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामुअलैकुम।